नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, क्या सच में मोदी अडानी भाई भाई हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा मोदी और अडानी को लेकर होता रहता है। यहां पर एक खबर सामने आई, जिस खबर में साफ तौर पर कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी सरकार ने जो है अडानी को कोयला व्यवसाय को बढ़ाने में जो है यहाँ पर मदद की है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक और खुलासा यहाँ पर हुआ, जहाँ पर आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश और तमाम राज्यों में अडानी के कई सारे ठिकाने निकले थे। उसके बाद एक ठिकाना कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अडानी के लिए बनाया था, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने कोयला व्यवसाय में अडानी का साथ दिया। अल जजीरा द्वारा प्रकाशित द रिपोर्ट्स कलेक्टिव की एक जांच में दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुलासा किया गया है कि भारत सरकार ने विवादास्पद टाउकून, जी हां टाउकून गौतम अडानी के कोयले के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक असाधारण पक्ष दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के बाद कि निजी क्षेत्र में कोयला ब्लॉक सौंपने वाला एक विशेष नियम अनुचित था और इसमें पारदर्शिता की कमी थी। इसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भारत सरकार के, जी हां, सबसे घने वने वन क्षेत्र में 450 मिलियन टन से अधिक कोयला रखने का ब्लॉक खनन दिया गया। आप समझ सकते हैं यहां पर कि मोदी सरकार ने 400 मिलियन टन से अधिक कोयला रखने का यहां पर अनुमति अडानी को दिया। आखिर क्यों? लगातार देखा जाए तो यहां पर जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं वो दावे खोखले साबित हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही कि इसका जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, जब विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बहुत सारे ठिकाने बने हुए होंगे जहां अडानी पनप रहे होंगे, इस तरीके की बात भी सामने आ रही। लेकिन देखना यह होगा क्या देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ेगी। यहां पर देखें कि आगे क्या कहते हैं। लेकिन कानून में बदलाव करके अन्य कंपनियों को अनुमति नहीं दी गई, यानी कि अन्य कंपनियां जो यहां पर कहीं ना कहीं रख रखाव के लिए देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही थी, उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई। लेकिन नियम को बदलने के बाद यहाँ पर अडानी को ये अनुमति दे दी गई कि आप 450 मिलियन टन से अधिक कोयला जो एक है उसका रिकवरीज कर सकते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह में जो हाल है वो अमेरिकी आधारित, जी हाँ आधारित लघु विक्रेता पर मौजूद है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ेंगे कि आखिर आपने क्यों यहाँ पर जो है अडानी को पनपने दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।